हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेट स्पीच। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेट स्पीच, और सिंस सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा हेट स्पीच का प्रॉब्लम अराइज़ हो रहा है, उस वजह से हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है टॉपिक। तो इन जनरल पहले हम समझते हैं कि हेट स्पीच होता क्या है। इन जनरल अगर हम बात करते हैं, ऑल्दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं इसकी, बट जिसका इंटेंट हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट कुछ हेट्रेड फैलाने का अगर कुछ इंटेंशन हो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का या किसी पर्सन का, तो ये ग्रुप कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, कोई रिलीजन भी हो सकता है, कोई रेस भी होता है, ठीक है। तो अगर किसी के तरफ, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ अगर कोई हेट्रेड फैला रहा है, कोई नफरत फैला रहा है, तो ये स्पीच की चाहे कोई मीनिंग हो या ना हो, बट ये वायलेंस में कन्वर्ट हो सकती है स्पीच। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या रेस या रिलीजन के तरफ आप अगर नफरत फैला रहे हो, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने पड़ेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेज में वायलेंस इंसाइट आप कर सकते हो, उसको इन जनरल हम हेट स्पीच कहते हैं। फिर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि हेट स्पीच बेसिकली ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि इंसल्ट अगर आप किसी की कर रहे हो उसको भी आप हेट स्पीच में काउंट करते हो, या फिर किसी पर्सन को डेनिग्रेट करती है, या फिर किसी को थ्रेटन करती है, धमकी देती है, धमकाती है, थ्रेटन करती है, या फिर एक इंडिविजुअल को टारगेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ हिज आइडेंटिटी, या फिर और कोई उसके ट्रेड्स हो गए, जैसे कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, या फिर डिसेबिलिटी हो गया, रिलीजन हो गया। तो इन सब के प्रति भी अगर कोई नफरत फैला रहा है तो उसको हेट स्पीच कहेंगे। फिर 267th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हेट स्पीच क्या होता है, कि एक ग्रुप ऑफ पर्संस के अगेंस्ट अगर आप हेट्रेड इंसाइट कर रहे हो या नफरत फैला रहे हो ग्रुप ऑफ पर्संस के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, कि आप रेस के टर्म्स में भी कर सकते हो, या एथनीसिटी के टर्म्स में अगर आपने की है, या फिर जेंडर को लेके की है, या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके की है, या फिर रिलीजियस बिलीफ को लेके की है, और इसी तरीके से, ठीक है। अगर ऐसे चीज़ों के को लेके अगर आपने कोई नफरत फैलाई है, हेट्रेड इंसाइट की है, तो उसको हम लोग हेट स्पीच में ही काउंट करते हैं। अब अगर ये देखना है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ स्पीच जो है वो हेट स्पीच है, या फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएगी या फ्री स्पीच आएगी, ये एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है, क्योंकि यहीं पर ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है। हमारा जो आर्टिकल 19 है वो हमें अलाउ तो करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ साथ इसमें एक जो मेजर चैलेंजिंग टास्क रहता है वो ये रहता है, ये डिटरमाइन करना कि एक स्पीच अगर किसी पर्सन ने दी है वो हेट स्पीच होगी या फिर वो फ्री स्पीच में काउंट होगा। तो वो चीज़ एक चैलेंजिंग टास्क रहता है कि एक आप ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल को एक्सरसाइज ना करें या फ्री स्पीच के प्रिंसिपल्स को एक्सरसाइज ना करें, जो कि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल हो, ठीक है। तो फ्री स्पीच जो है वो ज़रूरी भी है, ऑल्दो कि आपको अपने प्लुरालिटी ऑफ ओपिनियंस को प्रमोट करने के लिए हेट फ्री स्पीच ज़रूरी है, बल्कि हेट स्पीच जो है वो एक एक्सेप्शन है जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो वो एक पॉइंट आ जाता है। अब बहुत सारे रीजंस होते हैं हेट स्पीच के, जैसे कोई लोग अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना लोगों में, तो सुपीरियरिटी की फीलिंग होती है, लोग स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करते हैं, वही चीज़ उनके दिमाग में डाल दी जाती है, और वही चीज़ सालों साल से चलती भी आ रही होती है। लोगों को लगता रहता है अपने दिमाग में कि एक क्लास या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो उनसे इन्फीरियर है, हम लोग सुपीरियर हैं, ठीक है, और इन लोगों को वही सेम अधिकार नहीं मिल सकते जो हमें मिले हुए हैं। तो ये एक या तो सुपीरियरिटी वाली चीज़ आ जाती है, या फिर लोगों के माइंड में एक स्टबननेस रहती है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रति, स्टबननेस टू पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, कि हमारी ही आइडियोलॉजी जो है वो बेस्ट है, बाकी सबकी आइडियोलॉजी बेकार है। तो एक जो स्टबननेस होती है ना कि हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से ही स्टिक रहेंगे, चाहे दूसरा बंदा सही कह रहा हो गलत कह रहा हो, हमें उसे कोई परवाह नहीं है, और ये भी परवाह नहीं है कि बाकी लोगों की भी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, और बाकी आइडियोलॉजीज भी कोएग्जिस्ट कर सकती हैं पीसफुली। तो ये जो एक स्टबननेस होती है ना, ये भी हेट स्पीच की फायर को और इग्नाइट कर सकती है, फ्यूल टू द फायर ऐड कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है।
समझते हैं पहले इंट्रोडक्शन में कि हेट स्पीच क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है, synopsisize.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज में जाओगे, मेंस इन 300 टॉपिक्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ना जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, यहाँ पर टॉपिक लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो मिल जाएंगे आपको ये सारे। तो हम पढ़ इसीलिए रहे हैं ये टॉपिक्स क्योंकि ये इन जो आपके सिलेबस है उसका पार्ट है, और ये सारे टॉपिक्स हर साल न्यूज़ में रहते ही है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसी वजह से हम लोगों के लिए ये सब टॉपिक्स करना ज़रूरी है। तो जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से ये टॉपिक्स नोट कर लें और ये ज़रूर करके जाने हैं मेंस इन 300 में। और जो लोग परचेज कर रहे हैं यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, इसमें हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। एंड मेंस आंसर बिल्डिंग में पिछले 40 साल के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑल्दो इसमें मैं बता देती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा रहता है पहले, मान लो हेट स्पीच पे है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा रहता है वो आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन एक बार आया था। तो सिंस मेंस में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे काफ़ी रिपीट होते हैं, तो इसी वजह से ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, आप देखते हैं कि एक देखो, कोई इंटरनेशनल लीगल डेफिनेशन तो है नहीं हेट स्पीच की। एक जनरल सेंस में हेट स्पीच जो है वो एक ऐसी स्पीच या एक्सप्रेशन है जो कि एक पर्सन को या पर्सन को डेनिग्रेट करती है, या फिर इस बेसिस पे डेनिग्रेट करती है कि वो एक सोशल ग्रुप के मेंबर हैं, या फिर उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सोशल सेक्शुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन, एज, फिजिकल, मेंटल डिसेबिलिटी, अदर्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हेट स्पीच जो है वो एक ऐसी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है इन स्पीच, राइटिंग या बिहेवियर जो कि एक किसी की किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को अटैक करता है। ठीक है, या फिर कोई डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज यूज करके या फिर पेजोरेटिव यूज करके। तो ये बेसिस होते हैं कि आप अगर अपने आप को बिल्कुल सुपीरियर मानते हो, दूसरे को इन्फीरियर मानते हो, दूसरे के लिए गलत लैंग्वेज यूज करते हो, उसको इंसल्ट करते हो, उसके लिए गलत बोलते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो उसको आप हेट स्पीच मानते हो। न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पुलिस और अथॉरिटीज़ को ये डायरेक्ट किया था कि अब अगर कोई भी ऐसा हेट स्पीच का प्रॉब्लम आता है या कोई भी केस आता है, इमीडिएटली आपको उसके अगेंस्ट रजिस्टर करने हैं केसेस, आपको हिचकिचाना नहीं है। अगर आप हेजिटेट किए तो आप ही के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंक्वायरी बिठा देगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के अगेंस्ट, उन्हीं ऑफिसर्स के अगेंस्ट अगर उन्होंने हेजिटेट कर दिया हेट स्पीच के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के लिए, तो उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स हो सकती है। तो आपको वेट नहीं करना कि कोई और आएगा कंप्लेंट फाइल करेगा, अगर आपको लगता है हेट स्पीच का मामला आ गया है तो इमीडिएटली आप खुद ही केसेस को रजिस्टर कर दोगे। थिंकर्स का पर्सपेक्टिव है, कुछ अलग अलग लोग हैं जैसे उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, जैसे कि जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटरेस, उन्होंने हेट स्पीच के बारे में कहा है कि हेट स्पीच जो है वो एक प्रीकर्सर है एट्रोसिटी क्राइम्स के लिए। मतलब कि जैसे जेनोसाइड हुआ था रवांडा टू बॉस्निया टू कंबोडिया, तो वो भी एक कहीं ना कहीं ये सारी जो वायलेंस होती है, जो एट्रोसिटी क्राइम्स होते हैं, ये भी हेट स्पीच से ही कहीं ना कहीं जनरेट हुए होते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल भी कहते हैं कि हेट स्पीच जो है वो हमारा जो फ्री स्पीच है उसका एक अनअवॉइडेबल पार्ट है, और बहुत सारे डिबेट्स इस पे चल सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ आप हेट स्पीच में काउंट करोगे, क्या चीज़ आप फ्री स्पीच में काउंट करोगे। तो वो एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। कैथरीन मैकिनन कहते हैं कि पोर्नोग्राफी है वो एज अ स्पीच, ये विमेन के प्रति एक वायलेंस है। क्यों? क्योंकि विमेन को ये साइलेंस करती है और साथ ही साथ उनको सबॉर्डिनेट बनाती है एज थ्रू क्रिएशन ऑल्सो एंड थ्रू इट्स कंजम्पशन ऑल्सो, तो विमेन के प्रति ये वायलेंस है। इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे यूएन स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन ऑन हेट स्पीच में कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जिसमें स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए ताकि हेट स्पीच को नेशनल ग्लोबल लेवल पर एड्रेस किया जा सके। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो कि हेट डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी और वॉयलेंस की एडवोकेसी को प्रोहिबिट करता है कि आप ये चीज़ें नहीं फैला सकते हो। और ये चीज़ सेम 1969 के अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भी रिफ्लेक्ट हुई थी। इंडिया का क्या लॉ है हेट स्पीच में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कोई भी स्टेट रिलीजन को प्रोवाइड तो नहीं करता, बट आर्टिकल 19 जो है वो सिटीजन्स को राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बट उसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोलोगे, चाहे वो किसी को, किसी की रेस को, रिलीजन को, कम्युनिटी को, एथनिसिटी को, जेंडर को, सेक्शुअल ओरिएंटेशन को हर्ट कर दे। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे, आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसमें ज़रूर रहेंगी कि आप ऐसी चीज़ें बोलो जो कि किसी को हर्ट ना करे।
ताकि आपका पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी जो है वो इंटैक्ट रहे, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए। तो इंडियन लॉ जो है सिटीजन को ये अलाउ करता है कि अगर कोई भी और दूसरा बंदा उनको रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट या और किसी ग्राउंड पर इंसल्ट करता है या फिर उनको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो बंदा जाके आगे उस चीज़ के लिए पनिशमेंट सीक कर सकता है, पनिशमेंट मांग सकता है। सेक्शन 295A ऑफ द IPC ये डिफाइन करता है और प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर डेलिबरेट एंड मलिशियस एक्ट्स, कि मतलब जान पूछ के अगर आपने किसी चीज़ को किया है, गलत काम की है, मलिशियस एक्ट्स किए हैं, ताकि आप किसी और क्लास के या रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज कर दो, हर्ट कर दो, ठीक है, जान पूछ कर की गई और एक गलत भावना से की गई, अगर आप ऐसे किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर रहे हो, तो वो सेक्शन 295A ऑफ द IPC में आता है, ये डिफाइन करता है पनिशमेंट को। फिर सेक्शन 153A पेनलाइजेस करता है कि अगर आप अलग अलग ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज के, ये सब के बेसिस पे अगर आप नफरत फैला रहे हो, एनमिटी फैला रहे हो तो, या शत्रुता बढ़ा रहे हो, तो उस केस को यहाँ पर सेक्शन 153A में पेनलाइज किया जाता है। फिर सेक्शन 505 जो भी स्टेटमेंट्स हैं जिससे पब्लिक मिसचीफ पहुंच सकता है, तो उसमें पनिशमेंट ये सेक्शन 505 के अंडर आता है, कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट्स अगर आप देते हो, ठीक है। तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है 1952 की, और केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन ऑफ 1995 का एक्ट है, ये दोनों ही, जितना भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है किसी भी डेटा का, जो कि अगर नफरत फैला रहे हैं या हेट्रेड फैला रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन के कोई भी डेटा ऐसे ट्रांसफ़र करते हो, तो उसका प्रिवेंशन और रेगुलेशन से ये पर्टिकुलर एक्ट डील करती है। अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट ऑफ 1988, अगर आप कभी भी किसी अलग अलग रिलीजन, रेशियल, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, क्लासेस और ट्राइब्स के बीच में एनिमोसिटी या अदर हॉस्टाइल एटीट्यूड्स आप स्टर करते हो, बढ़ाते हो, ठीक है, तो उसमें दुश्मनी फैलाने के लिए, शत्रुता फैलाने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट उसमें मना करता है, प्रिवेंट करता है, तो इससे ये डील करता है। ये लॉ के ओरिजिन कहाँ से हुए, तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो कि जिनके बाद से ये ओरिजिन हुए थे, तो ये केसेस चलते आ रहे हैं, जैसे रंगीला रसूल केस था 1927 का, ये बेसिकली ये पर्टिकुलर केस, जब भी आप कोई भी ऐसे रिलीजियस फिगर्स को टारगेट करते हो, ये कहा गया था कि रिलीजियस फिगर्स को टारगेट करना रिलीजन को टारगेट करने से अलग है, तो ये केस ने इस क्वेश्चन को एग्जामिन किया था 1927 में, और इस डिबेट ने, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम का डिबेट चलता आ रहा है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट में इसके कॉन्सिक्वेंस में, आप कह सकते हो कि इसके रिएक्शन में सेक्शन 295A 1927 में ये लेके आए थे, ताकि इस इशू को और वाइडर तरीके से और एड्रेस किया जा सके, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, फिर नेक्स्ट चीज़ आई थी रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1957, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी सेक्शन 295A इसी पर्टिकुलर सेक्शन की, इसको चैलेंज किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अपहेल्ड किया था ऑन द ग्राउंड कि ये पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व करके ही ये लाया गया था। फिर एक और केस आता है 1960 का, बाबा खलील अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि मलिशियस इंटेंट जो है, ये मतलब गलत भावना से कोई भी काम किया हो, तो अगर आपको, आपने कोई गलत भावना से काम किया हुआ है, तो ये चीज़ जो है एक्यूज्ड के लिए कहा गया है, मलिशियस इंटेंट ऑफ द एक्यूज्ड, ये आप सिर्फ इसी चीज़ से नहीं डिटरमाइन कर सकते कि उन्होंने क्या स्पीच दी है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड नॉट जस्ट फ्रॉम द स्पीच इन क्वेश्चन बट एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आप ये चीज़ पता लगा सकते हो। तो इस तरीके के काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए थे जिससे हम ये पता लगा सकते थे। उसके बाद एक केस आया था 1973 का, रामलाल पुरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टेस्ट जो है वो अप्लाई हो सकता है कि वेदर जो भी स्पीच की बात हो रही है वो किसी ऑर्डिनरी मैन ऑफ कॉमन सेंस को ही अफेक्ट कर रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन हाइपर सेंसिटिव मैन को तो अफेक्ट नहीं कर रही। हाइपर सेंसिटिव मैन क्या होगा, वो किसी भी बात में अभी चिढ़ जाएगा, तो आप किसी भी बात पे परेशान ना हो जाओ, बल्कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसी चीज़ से अगर आप अफेक्ट हो रहे हो या फिर ऑफेंड हो रहे हो, जो कि एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ कॉमन सेंस को ऑफेंड कर रहा है, तो उस चीज़ को हम हेट स्पीच मानेंगे। तो ये कुछ ऐसे केसेस हुए थे।
नेक्स्ट है आपका बारागुर रामचंद्रप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2007 का एक केस हुआ था जिसमें प्रैग्मैटिक अप्रोच जो है वो इन्वोक की गई थी इन इंटरप्रेटिंग सेक्शन 295A। प्रैग्मैटिक अप्रोच क्या थी कि अगर आप किसी बुक को जब्त कर लेते हो कोई भी पब्लिक ऑर्डर को रीस्टोर करने के लिए सिर्फ एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के फ्री स्पीच के लिए, तो उसको ये प्रैग्मैटिक अप्रोच जो है वो लाई गई थी यहाँ पर। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ हुआ क्या था यहाँ पर। तो ये जो केस था पूरा बारागुर रामचंद्रप्पा का, इसमें हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें एक नॉवल था, कन्नड़ नॉवल था, पीवी नारायण ने लिखा था ये नॉवल। नॉवल का नाम था धर्म कारणा। तो इस नॉवल में बेसिकली क्या था कि कुछ ऐसे पैराग्राफ्स थे जिसमें जो पर्टिकुलर कैरेक्टर था उसकी जो एल्डर सिस्टर थी उसमें कुछ सर्टेन पैराग्राफ्स ऐसे लिखे हुए थे जिसकी वजह से उनकी एल्डर सिस्टर के लिए, जिसकी वजह से वीर शैवा कम्युनिटी जो थी, वीर शैवा कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट हो सकता था। ठीक है, तो उसी चीज़ की वजह से यहाँ पर ये कहा गया था कि इस बुक को जब्त कर लेना चाहिए ताकि एक पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो कोर्ट ने ये पाया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी और ये बुक को जब्त कर लेगी। तो यहाँ पर यही चीज़ थी कि एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो, उस वजह से ये चीज़ आई थी। अब हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच है, तो ये जो कंसेप्ट है ना फ्री स्पीच का, ये इक्वालिटी के आइडिया से आता है कि डेमोक्रेटिक इंपल्स से आता है, जहाँ पर हेट स्पीच जो है वो उस वो होती है कि बेसिकली एक सिस्टमिक बुलिंग हो गई कि सिर्फ एक्सक्लूसिविटी के लिए या पॉलिटिकल पावर के लिए, बस हम ही हैं जो है ना, हम ही बेस्ट हैं, बाकी सारे इन्फीरियर हैं, बाकी सब ठीक नहीं है, या हमसे मतलब कुछ किसी को इंसल्ट करना बेसिकली। ठीक है, तो हेट स्पीच जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है, जबकि तो हेट स्पीच जो है वो कोई ऑफेंसिव या फाउल माउथ स्पीच जो है डायरेक्टेड एट पीपल उसको रेफर करती है। और यहाँ पर ये बात की गई है कि कुछ भी जैसे विट्रियोलिक कंप्लेंट्स है डायरेक्टेड एट द गवर्नमेंट उसको हम हेट स्पीच मानते हैं, जबकि फ्री स्पीच जो है वहाँ पर आप अपने आइडिया को एक्सरसाइज करते हो, अपने ओपिनियन को एक्सरसाइज करते हो विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर पीपल और ग्रुप्स और कम्युनिटी। तो यहाँ पर ये डिफरेंस माना गया है। हेट स्पीच क्या है, जो कि एक्चुअल मटेरियल हार्म कर सकती है थ्रू सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, कि आप अगर किसी कम्युनिटी का आप सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दो, ठीक है, उसको एक्चुअल हार्म करो उनको मार्जिनलाइज करके, तो वो चीज़ आप हेट स्पीच में मानते हो। सिर्फ आपने किसी पर्सन को, जैसे मान लो आपने राह चलते किसी को ऐसी गाली दे दी कोई छोटी मोटी, ठीक है, या फिर किसी को बोल दिया अरे यार आज वो अच्छा नहीं लग रहा, इतना बोल दिया, तो वो चीज़ आप हेट स्पीच नहीं करोगे, नहीं कहोगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रवासी भलाई संगठन केस हुआ था, ये 2014 का केस था, जिसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ हेट स्पीच, ठीक है, तो वहीं से ही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, तो हेट स्पीच जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़। तो क्रिटिसिज्म जो है हेट स्पीच का काफ़ी देखा गया है। हेट स्पीच क्या है, डिनायल ऑफ वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, जब आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो, इंक्लूजन नहीं कर पाते हो कुछ लोगों का या ग्रुप का कम्युनिटी का, या फिर डाइवर्सिटी के अगेंस्ट आप चले जाते हो, ठीक है, डाइवर्सिटी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर हेट स्पीच आ जाती है। इन सब चीज़ों का डिनायल ही हेट स्पीच कहलाया गया है। ठीक है, और जो आपका असेंस है, इम्पोर्टेंस है ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स का, अगर आप उसको ही डिनाई कर देते हो सो दैट इज हेट स्पीच। ठीक है, फिर इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है टू डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज, वायलेंस, और उनको सोशल और इकोनॉमिक्स एक्सक्लूजन को भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक हेट स्पीच का क्रिटिसिज्म है कि इंडिविजुअल्स को बहुत सारी गलत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, विक्टिमाइज हो जाते हैं वो, तो यहाँ पर उनका सोशल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हो जाता है। तो ये हेट स्पीच की एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि बंदे ने बोल तो दिया किसी के अगेंस्ट गलत, बट दूसरे पर्सन या कम्युनिटी या किसी ग्रुप को क्या सहना पड़ रहा है उसकी वजह से, वो एक बड़ी चीज़ होती है।
अगर हेट स्पीच को आप चेक नहीं करोगे तो ये जो हेटरेड का एक्सप्रेशन है वो कुछ सोसाइटीज़ को, पीस और डेवलपमेंट को काफ़ी मेजर तरीके से हार्म कर सकता है, और इनफैक्ट कन्फ्लिक्ट, टेंशन, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन ये सब भी देखे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग एट्रोसिटी क्राइम्स, मतलब बहुत बड़े लेवल के जो क्राइम्स हो गए, एट्रोसिटी क्राइम्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे हमने जिनोसाइड वगैरह का पढ़ा था। तो वे फॉरवर्ड में हम यही देखते हैं कि इसको, आपको हेट स्पीच को अगर आपको टैकल करना है तो उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सोसाइटी को एज अ होल मोबिलाइज करने की काफ़ी नीड है। तो अगर आप हेट स्पीच को कम्बैट करना चाहते हो तो फर्स्टली आपको इसके पूरे डायनामिक्स को मॉनिटर करना पड़ेगा और ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, इंटरनेट कॉरपोरेशंस, फेथ लीडर्स, एजुकेटर्स, यूथ एंड सिविल सोसाइटी, इनका एक मॉरल ड्यूटी बनता है कि हेट स्पीच के अगेंस्ट फर्मली बात करें और एक क्रूशल रोल प्ले करें कि अगर हेट स्पीच को हटाने के लिए। तो यहाँ पर यही चीज़ों के बारे में बात हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू बी फॉरगॉटन का, और अभी के लिए इतना ही था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।